इधर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है, साथ ही किसानों का बिजली पानी का बिल भी माफ किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसान जो है फसल का मुआवजा 10,000 रुपया बीघा करने की मांग लेकर के आया है। ये मांग कर रहा है कि गन्ने के खरीद मूल्य 425 रुपये से पार करो। ये मांग कर रहा है कि हमारे ऊपर जो बिजली पानी का है वसूली 6 महीने की, उसको माफ करो, और जो कर्ज हमने ले रखा है उसको स्थगित करो, उसकी वसूली को, और ब्याज माफ करो, और इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है उस बकाए का उसका भुगतान प्रारंभ करो, और यदि नहीं किया गया तो हम मजबूर होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग आदि जाम कर।